यहाँ पे कोई नहीं है। सामने में हमारा बारामूला यूरी का हमारा जो हाईवे है ऐसे मुड़ के सीधे ऐसे मुड़ के ऐसे जाती है। हम लोग बारामूला हाईवे के बीचों बीच में है और सामने में हमारा उरी सिटी है। मैगी तैयार हो चुका है और हमारे कश्मीर के उरी के भाई ही है, आए हैं यहाँ पे। बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई है संदीप भाई ने, बोल रहे थे नून थी नून चाय पर हो गई है लेमन चाय, तो काफ़ी स्वादिष्ट है जो भी बनी है, पर है बहुत अच्छा। अभी हम लोग उरी में हैं और उरी के एक छोटी सी नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। ये नदी हमारी सीधे आगे की ओर जाती है झेलम नदी की ओर, ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 500 मीटर की दूरी पे वह झेलम नदी पे मिल जाती है। और सामने ही हमारा उरी सिटी है और हम लोग पिकनिक मना रहे हैं उरी में। बहुत ही शांत प्लेस है हमारा उरी। ये है हमारा चूल्हा तैयार हो चुका है, इसको हम लोग सेट करेंगे। ये हमारी सेट हो गई चूल्हा, उसके बाद हम लोग डालेंगे अपना बर्तन और साथ में हम लोग और इस चाकू से हम लोग थोड़ा सा कुछ प्याज काटेंगे, मसाला काटेंगे, उसके बाद हमारी बनेगी पार्टी। सारा सामान हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, हमारा प्याज है, ये देखिए हमारा प्याज है, प्याज को हम लोग छील लेंगे या ऐसे छीलेंगे और लगभग हाफ काट लेंगे। एक बड़ी वाली मैगी है हमारी, इसलिए हम लोग इसमें मसाला के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने प्याज काट चुके हैं, देखिए सामने में थोड़ी सी प्याज है हमारी, उसके बाद हम लोग मिर्चा काट लेंगे। हमारी मिर्चा भी कट गई। हम लोग गैस ऑन करेंगे उसको ताकि हम लोग मैगी बना सकें। हमारे पास मैगी है छोटी सी, ज़्यादा नहीं है हमारे पास मैगी, एक पैकेट है, तो हम लोग थोड़ी सी मैगी बनाएंगे। पहले हम लोग मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मसाला होती है उसे हम निकाल लेंगे ताकि हम इस मसाला के माध्यम से हम ग्रेवी बना सकें। हम लोग प्याज को और मिर्चा को, उसके लिए हमें सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा चूल्हा। ऑन हो चुकी है हमारी चूल्हा, इजीली ऑन हो जाती है, कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है ये छोटी सी चूल्हा है। और सिलेंडर हमारा 130 रुपये में मैंने लिया था लगभग। और नदी के किनारे खाना पकाना या तो हमें मैगी पकाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस लगती है। यहाँ पर कोई नहीं है, सामने में हमारा बारामूला उरी का हमारा जो हाईवे है ऐसे मुड़ के सीधे ऐसे मुड़ के ऐसे जाती है। हम लोग बारामूला हाईवे के बीचों बीच में है और सामने में हमारा उरी सिटी है लगभग 500 मीटर की दूरी पे। और ये नदी हमारी तो झेलम नदी में जाके मिलती है। और लगभग हमारी पानी गर्म हो चुकी है तो हम लोग पहले पानी डाल लेते हैं। देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा कम डालेंगे, अभी मसाला तैयार करनी है इसीलिए बस। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, इसमें मसाला डालेंगे पहले, उसके बाद हम लोग प्याज वाज डालेंगे उसमें। तो देखिए किस प्रकार से बोला जाता है कि बारामूला उरी बहुत डेंजर होती है, नहीं जाना चाहिए, रिस्क है। और बहुत सारे लोग हमारे कश्मीर से गुलमर्ग से लौट जाते हैं अपने घर की ओर, लेकिन मैं देखिए कश्मीर के डल लेक गुलमर्ग घूमने के साथ साथ मैं इस ओर बारामूला उरी के लिए घूमने के लिए आया। और इधर का लोकेशन तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ओर घूमने के लिए। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत माहौल है, ज़्यादा टूरिस्ट ज़्यादा रस देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहाँ, लोकल लोग देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। मैं तो बस से आया बारामूला, बारामूला से मैं उरी आया, उसके बाद ऐसी सुंदरता को मैं देख रहा हूँ। देखिए सामने में पानी डबक रही है, खौल रही है, ये पूरी तरह से खोल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें हम कुछ डाल ले, तो हम इसमें मसाला डाल लेते हैं। देखिए ये मसाला हमारा मैगी पैकेट में ही रहता है अंदर में, अगर आप एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अपना स्वाद के अनुसार मसाला डालना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा खौलने देते हैं, ये खौल रही है अच्छी तरह से। और उसके बाद हम ये प्याज को डाल लेते हैं, ये थोड़ी सी प्याज है और कटी हुई थोड़ी सी मिर्च है, ग्रेवी के लिए ज़्यादा बेहतर होती है ये। हमने प्याज भी डाल लिया, मसाला भी डाल लिया और खौल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा चला देते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही। ओके, अब छोटी सी ढक्कन है हमारी, तो इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि मसाला में ग्रेवी आ जाए, मसाला अच्छी तरह से बने, अच्छी तरह से पके। और हमारी ये मैगी तो तैयार है। तो देखिए, अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से हैं तो ऐसा वाइल्ड कैंपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी देखते हैं, पूरी तरह से खोल चुकी है हमारी, मसाला तैयार हो चुकी है। तो आप पूरी बारामूला आइए घूमने के लिए। वास्तव में इस ओर का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना साफ नदी का पानी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी ठंडी नदी की पानी बह रही है, गर्मी का एक भी एहसास नहीं है, साथ में ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। कैंपिंग करने में भी मज़ा आ जाती है और कुकिंग करने में भी मज़ा आ जाती है नदी के किनारे। अभी तो हम लोग मैगी बना रहे हैं, साथ में अभी चाय बनाने का विचार है, कश्मीरी चाय और कश्मीरी रोटी के साथ खाएंगे। देखते हैं कितना जल्दी बन पाती है। हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा ग्रेवी आ जाए और नमक पूरी तरह से मिल जाए, मिर्चा मिल जाए, प्याज मिल जाए, भिन जाए पूरी तरह से अच्छी तरह से, ताकि हमारे मैगी में खाने में स्वाद आए। लगभग हमारी मसाला खौल चुकी है, तो हम लोग इस मैगी को अब डाल देते हैं बर्तन में। पूरा ही डाल देते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैगी को भून लेते हैं मसाला में। पानी पहले नहीं डालना है, बस थोड़ा सा भूनने देना है हमको इसको, ताकि थोड़ा सा स्वाद में सूंधापन आए और खाने में थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगे। देखिए किस प्रकार से हमारी मसाला में मैगी पूरी तरह से भीन चुकी है। और इसमें अब हम लोग पानी डालने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी पहले डाल लेते हैं। अब इसको ढक्कन से हम लोग बंद कर देते हैं और हल्की ताव पे हम लोग इसको उबालते हैं और देखते हैं इसका स्वाद कैसे बनती है, खा के बतलाएंगे। देखिए उबल रही है, लगभग हमारा मैगी तैयार हो चुका है। और हमारे कश्मीर के उरी के भाई ही है, आए हैं यहाँ पे, हम साथ चारों भाई हम लोग मैगी खाएंगे नदी के किनारे। वैसे आपका क्या नाम है भाई? आशिक अवाम। आशिक अवाम। और आपका भाई? सनीम अवाम। सनीम अवाम। और आपका? रियाज अवाम। और मैं संदीप कुजूर हूँ, रांची झारखंड से। लीजिए भाई, और आप भी लीजिए, और आप भी लीजिए। चलिए खाते हैं। हमारा मैगी तो बन चुका है और थोड़ी थोड़ी हुई हम चारों भाइयों के लिए, खा के देखते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है, थोड़ी सी तीखी बनी है। बहुत अच्छा बना है, वो बोल रहा हूँ। कभी आप लोग नदी के किनारे रहता खाए थे? नदी के किनारे बैठ के खाने में बहुत ही मजा आता है।
देखिए हम लोग चारों भाई ने नदी के किनारे मैगी बना के खाए। हम लोग जस्ट पूरी टीटी से बगल में बैठे हुए हैं, और अगर आप लोग श्रीनगर आते हैं, डल लेक आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, सोनमर्ग आते हैं और आप वहाँ पे घूम के वापस लौट जाते हैं, तो देखिए हमारा उरी के भाई लोग कितने अच्छे होते हैं। हम लोग साथ में मिलके नदी के किनारे पहाड़ों के बीच में हाईवे के बीच में हमने मैगी बना के खाया, बहुत स्वादिष्ट बनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इन भाइयों को भी बहुत अच्छा लगा मैगी। तो आप भी इस ओर घूमने के लिए आ सकते हैं और हमारा उरी को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे उरी में हमारी डाक बंगला भी है, गुरुद्वारा भी है ठहरने के लिए, होटल भी है, मार्केट है हमारी, फल सब्जियाँ सब कुछ मिल जाती है। तो आप लोग आइए इस ओर और एक्सप्लोर कीजिए। आजकल इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर में हमारा टूरिज़म को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बॉर्डर तक घूम सकते हैं, यहाँ के नेचर और यहाँ की खूबसूरती को आप निहार सकते हैं। वास्तव में बहुत खूबसूरत है और हमारे उरी के भाई लोग भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे बात करते हैं, आपको अकेला फील होने नहीं देंगे। मैं अकेला बैठा हुआ था तो देखिए कितने भाई आ गए हमारे पास और साथ में हमने मैगी खाया और अकेलापन दूर हो गई। तो अगर आप लोगों को हमारा नदी के किनारे मैगी का कैंपिंग क्या कहते हैं पिकनिक आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अलग ब्लॉग में। चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वीडियो में। हम लोग देखते रहेंगे ज़िंदगी भर, हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे मोबाइल से। हाँ, हम लोगों ने तो मैगी बना लिया और कश्मीरी भाई लोगों से हमने मैगी खाया साथ में नदी के किनारे बैठ के, बहुत अच्छा लगी। लेकिन अब मैं कश्मीरी चाय बनाने वाला हूँ और कश्मीरी चाय के साथ मैं कश्मीरी रोटी खाने वाला हूँ, और मेरे साथ कौन शामिल होते हैं पता नहीं, कोई ना कोई शामिल हो ही जाएंगे खाने के लिए और कश्मीरी चाय पीने के लिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कश्मीरी चाय। तो हम इन भाई के साथ हम लोग कश्मीर वैली में नदी के किनारे कश्मीरी चाय पियेंगे, साथ में हम लोग कश्मीरी रोटी खाने वाले हैं। ये भाई साहब हमारा मैगी पार्टी में थोड़ा सा लेट हो गए। ये हुई हमारी कश्मीरी चाय कश्मीर वैली में, और हमारी कश्मीरी रोटी है इसमें, तो कश्मीरी रोटी भी खाएंगे हम लोग। देखिए चाय के साथ खाने के लिए अच्छा है। देखिए सामने में हमारी कश्मीरी चाय और कश्मीरी रोटी के साथ हम लोग नदी के किनारे उरी के इस छोटी से शहर में घाटियों के बीच में बारामूला उरी के हाईवे के बीचों बीच हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। चीनी भी डाला, कैसा लगा? नमक भी डाला। नमक कहाँ से पाया? नून चाय बोल रहे थे ना? तो हमने, हमारे पास तो नून है ये नहीं है। आपने नून चाय बोला या नहीं? हाँ बोला मैंने कि नमक नून चाय बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, नींबू का रस मिला रहे हैं और साथ में हम लोग ये चाय पत्ती मिला रहे हैं, ये तो बोले हम। ये नून चाय नहीं है, नून चाय बोला भी नहीं जाता इसको, ये लेमन टी बनता है। इसमें तो चीनी मिला है हम लोग, इसलिए लेमन टी है। नून चाय में नमक मिलता है। कभी 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 कुछ भी बोलते रहते हैं। सही बना रहे हैं, लेमन टी परफेक्ट। और डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। मुझे लगा कि आप नून चाय बना रहे हो, पर ये तो कुछ और ही है, लेमन टी है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई है संदीप भाई ने, वो
बोल रहे थे नून टी, नून चाय पर हो गई है लेमन चाय, तो काफ़ी स्वादिष्ट है, जो भी बनी है पर बहुत अच्छा है।